द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने को स्टेज के डर से आज़ाद कर सकते हो और किन किन तरीकों का इस्तेमाल कर आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से भी प्रभावित कर सकते हो। अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सिखाना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर भी बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। डेल कार्नेजी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाया करते थे कि किस तरह से हम खुद में सुधार कर सकते हैं और किस तरह से कुछ बेच सकते हैं, कैसे बोलने की कला में भी माहिर हो सकते हैं। और आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताब को बहुत पसंद करते हैं। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए होते हैं जो हमारे समाज को पहले से बेहतरीन बनाने के लिए काम कर सके। हम वो लोगों को पसंद करते हैं जो एक बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सके, अच्छे प्रोडक्ट भी मार्केट में ला सके और जिससे लोगों को भी फायदा हो। लेकिन यह सब पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर होना पड़ेगा जो कि है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से भी कांपने लगते हैं। तो हर कोई बनना चाहता है कामयाब, लेकिन यह डर वो जिसे लड़ने जाने पर बड़े से बड़े आदमी एक बार ज़रूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको भी बताती है कि आप किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग की कला में भी माहिर हो सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो या किस तरह से आप गले और फेफड़ों की कसरत करके अपनी आवाज़ को भी बेहतरीन बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो यह बुक समरी मैं आगे आपको सुनाता रहूँगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना है तो उसे चलाकर ही सीखता है, और हर कोई उस पर से ना एक बार ज़रूर गिरता है। उसी तरह अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग की कला भी सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर ही बोलना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में बहुत सारी गालियाँ हो, लेकिन वो सभी के साथ होती हैं। उन्हीं गालियों से आप बेहतरीन तरीके से बोलना भी सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर जब भी पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें बहुत घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ना ही लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले, अपने बारे में सोच छोड़ दीजिए। अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। बहुत से लोग स्टेज पर जाते हैं कि सोचने लगते हैं और लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर वो कहीं और देखने में कुछ ख़राब तो नहीं लग रहे। यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दें जो आप लोगों तक पहुंचाने आए हों।
इसके बाद अपनी बात को पहले से तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पे भी चले जाते हैं और वहाँ जाकर ही भूल जाते हैं उन्हें क्या बोलना था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसीलिए अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाएंगे तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता ही को बनाए रखेंगे, अपने डर को बगल में रखकर खुले दिमाग के साथ बोलेंगे। शुरुआत में सभी घबराहट रखते हैं, लेकिन कुछ वक्त की प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे लोग अच्छा बोलने लगते हैं। गाना सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता है। अगर उसमें सिर्फ एक तरह का ही धुन बजा हो और गाना गाने वाला सिर्फ एक ही टुन गाए, कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी दिया जाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती है। इसीलिए अक्सर दुनिया में सिर्फ एक ही रंग में रंगी होए ऐसा नहीं हो सकता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाला को लगे कि आप रद्द में कुछ भी बोल रहे हैं। अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहो। अपने वाक्य को भी ज़रूरी हिस्सों पर और देखकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत में नहीं है बल्कि आपके कर्मों का ही नतीजा है, तो यह पर आप इस वाक्य को कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कि कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि सुनने में बाकी शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं कि आप उसे चिल्ला कर कह रहे हैं। उसका मतलब है कि कुछ अलग ढंग से कहना ताकि सुनने वाले को यह समझ आ जाए कि वो शब्द वाक्य जरूरी शब्द है। अगर आप जोर से बोल रहे हैं तो उन शब्दों को आराम दीजिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ इस तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी शब्दों से बहुत अलग लगे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला अपने स्पीच को बदलना, दूसरा बोलने की रफ्तार को भी बदलना, और तीसरा कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज बोलने लगते हैं और कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो बहुत ही आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात बोलने से ठीक पहले या ठीक कुछ देर के लिए भी रुक जाएंगे तो वह बात बाकी बातों से अलग लगने लगेगी। फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे तो उसके अंत में उसे धीरे बोलने और सुनने में भी अलग अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को भी आकर्षक बना सकते हैं। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है।
और इससे खूबसूरत बनाती हैं। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावनाएं पैदा कर सकें तो वे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। लोग इसीलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावनाएं पैदा होती है जो है खुशी। सिर्फ यह नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते कि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो भी नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाएं, तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन चुनेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसके इस्तेमाल करने का उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसीलिए अगर आप किसी तरह की भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप लोगों के दिलों पर भी काबू पा लेते हो। किस तरह से आप लोगों में भावनाएं पैदा कर सकते हो? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं, आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा, उसे अपनी आत्मा में बसाना होगा और उसमें पूरी तरह से उतर जाना होगा। जब एक्टर्स अपने रोल की तैयारी करते हैं ना, तो वे उनमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में ही उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटों पहले वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल भी जीत पाते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। गेस्चर का मतलब होता है कि बोलते वक्त अपने हाथ और शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह यूं इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग अपनी बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर अपने आप ही निकल जाना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो आदमी नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को बेहतरीन बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें, हर बार उसे उसी तरह इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव नहीं होता है। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप ही निकलना चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीचर और स्पीकर को एक ही स्पीच में दो बार देते हुए सुनिए तो आप यह देखेंगे कि उसमें गोस्वर बदलते रहेंगे। उसके बाद आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से गेस्चर निकल रहे हैं, वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मेज भी नहीं खा रहे हैं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर को देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसकी समरी
कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले आप अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे बोल सकें। अपनी बात के ज़रिए लोगों की भावनाएं पैदा करने की कोशिश करें और हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाएंगे। अपने क्या करें ऐसा, अपने शब्दों का ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो आपकी स्पीच पहले से ही बेहतर होगी। इससे आप अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए अगर आप कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों के नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, यह आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी आपको कैसी लगी और आपके मन में कुछ सवाल और सुझाव हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। माय वर्ड में आपका स्वागत है। थैंक यू मित्रों।